तो उन्होंने देखा शी वाज लाइक ओह माय गॉड। जो मेरी बड़ी वाली बहन थी ना, मतलब वो लिटरली मुझे प्रैक्टिकल दे रही थी। मुझे ये भी पता चल गया कि पीरियड्स ब्लू नहीं होता है, रेड होता है। खुशखबरी आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि कब मैं मर्द से औरत हो गई एंड उस चीज का मुझे पता चला। सो इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था डे इन माई लाइफ ड्यूरिंग पीरियड्स, तो उस वीडियो को डालने के बाद मुझे मतलब ऐसा रियलाइज हुआ कि क्यों ना मैं ये वीडियो बनाऊँ कि माई फर्स्ट पीरियड एक्सपीरियंस, आई मीन नो, मतलब जब मुझे फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए थे तो यू नो मेरा रिएक्शन क्या था, मेरे घर वालों का रिएक्शन क्या था, मेरे भाई का रिएक्शन क्या था। हाँ गाइज, वो भी यहाँ पे बगल में बैठा है कि या लेट्स गो। मेरी उम्र थी 10 साल की, लेकिन लोग मुझे बोलते थे औरत क्योंकि मेरे आ गए थे पीरियड्स, जिसको आना था उम्र 16। सॉरी तो जब मैं ये वीडियो स्टार्ट करने वाली थी ना, तब मैंने पहना था टैंक टॉप, बट बैठे बैठे मुझे ठंड लगने लगी तो मैंने इसको ऊपर से डाल लिया। पहले मैं ये च्युइंगम थूक देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी बोलने में। छोड़ना मत, बदतमीज। यार यार, जस्ट किडिंग। अब मैं बोल पा रही हूँ ना, जैसे ऐसा नहीं है कि मेरे मुंह में कुछ है वो गिर जाएगा। अब मैं बताती हूँ कि मैं कितनी छोटी थी तब मेरे पीरियड्स आए थे। तो यू नो मैं 10 साल की थी उस टाइम एंड मैं क्लास 5th में थी एंड मेरा भाई क्लास 3rd में था। कि आप समझ सकते हो मैं 10 साल की थी एंड यू नो एवरेज वही होता है, 10 से 16 के बीच में लोगों के पीरियड्स आते हैं। तो मेरा जैसे ही 10वां स्टार्ट हुआ मैं यू नो औरत बन गई। उस टाइम मैं बहुत ज्यादा छोटी थी। द स्टोरी का सबसे मेन पार्ट ये है कि यू नो मैं तीसरी नंबर की बेटी हूँ अपने घर में, मतलब उसके बाद मेरा भाई है 4th नंबर पे, बट मेरी दो बड़ी बहन है उसके बाद मैं हूँ। मेरे कहने का मतलब था, पहले उस टाइम हमें नहीं पता था पीरियड्स के बारे में। मैं सच में बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था पीरियड्स के बारे में क्योंकि उस टाइम यू नो बायोलॉजी ये सारी चीजें साइंस में थी नहीं। वो तो आई थिंक 9th में होता है ना, 9th में ना, क्लास 8-9 में ये सारे चैप्टर्स आते हैं जिसमें पीरियड्स के बारे में होता है, यू नो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में होता है। तो उस टाइम मैं बहुत ज्यादा खेलती थी, फिजिकल वर्क मैं बहुत ज्यादा करती थी, तो मे बी इसलिए जल्दी आया होगा। एंड आई डोंट नो क्यों मुझे औरत बनने का शौक था इसलिए जल्दी आ गया। ऐसा तो नहीं था कि पहले मैं मर्द थी, यू नो पहले भी मैं औरत थी, बट वो सिग्नल आ जाता है ना कि यू आर अ औरत। 10 साल पहले मेरे पीरियड्स आए थे, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। उतने अच्छे से मुझे याद नहीं है क्योंकि 10 साल पहले की स्टोरी है एंड मैं छोटी भी थी, बट क्या बहुत सारी चीजें मुझे याद हैं। मेरी जो दो बड़ी बहन है तो उन लोगों के पीरियड्स तो मतलब उस टाइम आते ही थे, तो मुझे मतलब इतना पता था। एंड स्टेफ्री का ये जो जितने भी पैड्स वगैरह है ना, इनके तो एड आते थे टीवी पे, तो मैंने देखा था। तो आई वॉज लाइक या मतलब मम्मी है मेरी, दो बड़ी बहन है, तीन लोग ऑलरेडी हैं। अगर मैं सिंगल चाइल्ड होती, मतलब से मेरी मम्मी पापा और मैं और मेरा भाई होता, तब तो मुझे नहीं पता चलता उतना, ठीक है। बट बहनें हैं, बहनें यूज़ कर रही हैं वो सारी चीज़ें, तो मुझे पता था कि या ये होता है स्टेफ्री एंड समथिंग इज लाइक। बट पता है मुझे क्या पता था कि शर्म आ रही है ना बताने में, टीवी में एड्स आते हैं, जब टीवी में एड्स आते हैं तो वो ब्लू कलर का इंक डालते हैं ना पैड पे। पता है मुझे ऐसा लगता था ना कि कुछ ब्लू कलर की चीजें होती है। मुझे ये नहीं पता था कि पीरियड्स में यू नो ब्लड यू नो जो होता है वो, मुझे ऐसा कोई ब्लू कलर का इंक होता है। आई वॉज सो डम। और ऑब्वियसली एड में तो ब्लू कलर का इंक दिखाते थे ना, तो मुझे लगा था कि ब्लू कलर का यू नो कुछ, बट ये पता था कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें लगाए जाते हैं, एंड इतना मुझे पता था। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जिस दिन मेरे पीरियड्स आए थे, ओके, आई थिंक मैं स्कूल के बाद, जब मैं स्कूल से आ गई थी ना उसके बाद मेरे पीरियड्स आए थे, तब मैं चेंज कर रही थी अपना ड्रेस, ओके। चेंज करने के बाद मतलब मुझे ऐसा कुछ फील हुआ, यू नो थोड़ा गीला गीला सा फील, यू थोड़ा ठंडा ठंडा सा, ew guys, I feel so embarrassed. मुझे लगा कि यार कहीं मैंने you know ये तो नहीं कर दिया अपने पैंट्स में, you know पॉटी। मैंने बोला कि चलो ठीक है, मे भी किया हो बाहर में जाए, मुझे क्या ही है, जैसे लग रहा था ना रोज का काम है। ओह माय गॉड, मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला कि छोड़ो यार ऐसा होगा कुछ। फिर क्या हुआ, फिर थोड़ी देर बाद मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं ये अभी तक मतलब ड्राई नहीं हुआ क्या। उसके बाद क्या हुआ कि मैं वॉशरूम में गई, ठीक है। वॉशरूम में जाने के बाद मैंने देखा, मैंने बोला ये क्या है, मतलब व्हाट इज दिस रेड रेड सा। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी एंड मुझे पता ही नहीं था भाई कि ये रेड रेड है क्या। तो मुझे पहले लगा कि यू नो पॉटी है, बट फिर मुझे लगा कि नहीं यार दिस इज नॉट पॉटी, मेरी पॉटी ऐसी नहीं दिखती, आई नो माई बॉडी हाउ इट लुक्स।
उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी बहनों को बताऊं, क्योंकि आई वॉज लाइक कि मे बी कुछ पीरियड से रिलेटेड हो, तो मैं अपनी बहन को बताने वाली थी. एंड मैं पता नहीं क्यों डर रही थी भाई, मतलब आजकल तो यू नो पेरेंट्स बच्चों को टीच करते हैं, लेसन देते हैं. 10 साल पहले ऐसा नहीं था. आने के बाद भले ही मतलब सब कुछ मुझे पता चला, सबने मुझे बताया आराम से, बट उसके पहले किसी ने नहीं बताया कि पीरियड्स ये होते हैं वो होते हैं. किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि भाई इतनी जल्दी ये औरत बन जाएगी. तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी मम्मी पापा को तो उसके बाद मैंने सोचा ना कि मैं अपनी मम्मी को बताती हूँ, अपनी बहनों को बताती हूँ. तो ये जो बैठे हैं मेरा भाई, ही वॉज लाइक कि क्या हुआ. मैंने मम्मी को बुलाया तो कह रहा क्या हुआ क्या हुआ, ठीक है. और वो मतलब घुस गया रूम में. मैंने बोला कि मम्मी आइए, दीदी आइए, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है. एंड ये भी घुस आया, और ये पता इतना बित्तू सा था, इसको मैं ऐसे मार के भगा सकती थी. और आई वॉज लाइक कि यार इसको क्या, ये कह रहा है मुझे भी जानना, मुझे भी जानना है. फिर मम्मी कह रही है कि क्या हुआ. तो मैंने बोला कि भाई मैं कैसे बताऊं अपने भाई के सामने, ये भी डर जाता, ट्रॉमेटाइज हो जाता. मैंने मम्मी को मतलब बताना चाहा, बट ये भी आ गया, कह रहा कि क्या बात कर रही है, मुझे भी जानना है, मुझे भी जानना है. मतलब इतना बदतमीज था. इतनी आंटियां होती हैं कि मुझे भी जानना है क्या खिचड़ी पक रही है, लाइक दैट. मैंने नहीं बताया मम्मी को, ठीक है. अगले दिन एंड होपफुली जो मतलब मेरे फर्स्ट टाइम जो पीरियड्स आया था ना, लाइफ का पहला पीरियड, या थैंकफुली मेरे लाइफ का फर्स्ट टाइम जो मतलब पीरियड आया था, तो वो ऐसा नहीं था कि बहुत यू नो ओवरफ्लो रहा था. बहुत लोगों का होता बहुत ज्यादा ओवरफ्लो था, बहुत लोग तो बेहोश भी हो जाते हैं. मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे लिटरली बोला था कि जब उसके फर्स्ट टाइम पीरियड्स आया था तो वो बेहोश हो गई थी देखकर. मेरे पास ऐसे स्टेन थे मतलब थोड़े थोड़े, मतलब मम्मी को तो उस टाइम नहीं बता पाई. तो मैंने क्या किया, चेंज कर दिया उसको, ठीक है. मैंने चेंज कर दिया उसको धुल वुल के, जो मतलब मेरे अंडरगारमेंट्स उसको धुल दिया मैंने. फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे मैंने अपनी मम्मी को फिर बताना चाहा, क्योंकि नेक्स्ट डे भी वो हो गया था. मतलब मुझे लगा कि चलो ठीक है एक दिन होगा, लेकिन नेक्स्ट डे भी लग गया. तो मैंने सोचा कि आज तो मैं मम्मी को बता के रहूंगी. तो नेक्स्ट डे भी मैं मम्मी को बता रही थी, तो इसको लगा कि मैं मतलब मैं ऐसे कह रही थी ना कि मम्मी को बुलाओ, इसको लगा कि मैं कुछ सीक्रेट बात कर रही हूँ. तो ही वॉज लाइक कि यार मैंने कंपनी बदल ली, मैं अपने मम्मी पापा से क्या ही बात कर रही हूँ, जो इसको नहीं बताया मैंने अपने बहन बहन से. तो ही वॉज लाइक कि अपनी बड़ी बहन से क्या, इसको थोड़ी जलन लायकी हो रही थी कि भाई मेरी दीदी उन दीदी से क्यों बात कर रही है. क्योंकि मेरी जो दीदी थी ना, वो लोग स्टार्टिंग से ही हम लोग से मतलब अलग रहती थी, दोनों के दोनों मतलब दूसरे यू नो शहर में पढ़ा करती थी. तो मतलब हम लोग का भी ज़्यादा वो नहीं था यू नो कनेक्शन दोनों के बीच में. मैं और किशन हमेशा से बचपन से ही साथ में रहे हैं. तो ही वॉज लाइक दैट कि भाई ये बात क्या कर रही है, आप लोग समझ रहे होगे. नेक्स्ट टाइम जब मैंने मम्मी को बताया, तो इसने बताया, इसको क्या लगा ना कि मैं कुछ खाने की चीज़ें वो छिपा रही हूँ, कुछ भी इसको लगी मैं कोई खाने की चीज़ अकेले खा रही हूँ, छिपा रही हूँ. तो ये मतलब एकदम वो जो सीरियस वाला होता है ना कि क्या है मुझे भी जाना है, रोने लगा भाई. फिर क्या हुआ कि मम्मी ने इसको बोला कि एसएन बाबू थोड़ा बाहर जाओ रूम के, ठीक. अब ये गया रूम के बाहर, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है कि ये कैसे माना क्या माना. फिर मैंने मम्मी को बोला कि कुछ है. तो मम्मी को लगा कि मुझे वहां पे कुछ कट्स वगैरह लग गए हैं, उनको लगा कि उसका वो है ब्लड. मम्मी ने बोला कि चेक करो. फिर मम्मी ने चेक किया था एंड शी वॉज लाइक नहीं ये यही है, कुछ खुशखबरी. बधाइयां हो, बधाइयां बधाइयां. मैं सोच रही हूँ भाई मैंने क्या किया. और ऐसे भी नहीं, मेरा पेट वेट ज्यादा दर्द हो रहा था, दर्द तो नहीं हो रहा था, हाँ नहीं हो रहा था. सो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है ओके. फिर मम्मी चली गई कि हाँ इसका आ गया है. तो फिर जो मेरी बड़ी वाली बहन है, जो सबसे मेरी बड़ी वाली बहन थी, आई थिंक वो 12th में पढ़ रही होंगी या फिर उनका फर्स्ट ईयर कॉलेज का, स्कूल में ही थी. तो उन्होंने मुझे आराम से बैठाया, बोला कि ये होता है, पैड होता है. मैं बोली थी अच्छा ऐसे लगाते हैं, बोली अच्छा. इतनी शर्म आ रही थी, सो एम्बेरस्ड. मतलब वो मुझे बैठा के सबको समझा रही थी कि देखो खुशी थोड़ा दर्द होता है, बट कोई बात नहीं बाबू, अच्छे से इसमें खाना होता है, ये बाहरी ही चीजें जो तुम चिप्स करके खाती हो वो मत खाया करो. मेरी जो बड़ी बहन है ना, शी वाज लाइक भाई शी विल बिकम गुड मदर. जो मेरी बड़ी वाली बहन थी ना, मतलब वो लिटरली मुझे प्रैक्टिकल दे रही थी, ठीक है. मतलब वो बेड पे ऐसे लेट के वो कह रही थी कि देखो जब पीरियड्स आते हैं ऐसे सोना रहता है, ऐसे सोगी तो स्टेन लग जाएगा, ये सारी चीजें. आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट. अभी बिल्कुल भी मेरे स्टेन नहीं लगते हैं 5-6 साल से, बट जो स्टार्टिंग के 2-3 साल थे ना, उसमें मतलब मेरा एकदम कचड़ा हो गया था. मैं स्कूल जाती थी ना, ठीक है, तो मान लो कि सैटरडे को जो हमारा वाइट ड्रेस लगता है, फ्राइडे और सैटरडे को हम यू नो हाउस ड्रेस पहन के जाते थे, तो वाइट स्कर्ट पहन के जाती थी. ओ माय गॉड, मैं जो बताई थी ना जो लड़कियां मेरे क्लास की, वो बदतमीज थी क्लास 5th और 6th में, मैं आपको बता रही हूँ. जब मैं ऐसे पता सीट पे बैठी थी, तो एक टाइम सर ने बोला कि तुम्हारी सीट चेंज हो रही है, तो तुम उठ के आगे आओ. जैसे ही मैं उठी, मेरा पूरा स्कर्ट, मतलब मैं इतना बता रही हूँ आपको, एरिया पूरा रेड. जैसे ही मैं उठी, शी वाज लाइक
तुम्हारे पीछे कुछ लगा हुआ है, मतलब व्हाट द हेक। कोई लड़कियां ऐसे बता, चलो ठीक है मैं मानती हूँ कि हम लोग क्लास फिफ्थ में थे, हम लोग के पास इतना दिमाग नहीं था, बट फिर भी यार मतलब उसके आते होंगे, आई डोंट नो, मे बी उसके नहीं आते होंगे, उसको नहीं पता होगा। मैंने बोला कि अरे यार, फिर मैं बैठ गई, सर बोले कि उठो आगे आओ, मैंने बोला कि यार मैं कैसे आ जाऊं, कैसे आगे आ जाऊं, मेल टीचर था तो मैं उनको कैसे बोलती। तो मैं यार सोच रही हूँ यार कि मैं उठूं या ना उठूं, तो मैं वहीं पे बैठ गई थी। मैंने बोला कि सर प्लीज मुझे यहीं पे बैठना है। यार मैं सच में बताऊं ना, वो दिन ना मेरे लिए ओ माय गॉड। फिर मैंने एक दूसरी लड़की को बोला कि प्लीज क्या तुम तो, मतलब नहीं 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 नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, हाँ मुझे याद आ गया, मैंने किसी लड़की को नहीं बोला था। आई वॉज सो एम्बेरेस्ड, मेरे क्लास में लड़के वड़के सब थे, सो वो लोग तो बदतमीज थे ही, मैंने आपको बता दिया। तो मैंने पता है किसी को नहीं बोला, मैं वहीं पे बैठी थी। एंड मुझे याद है कि जब सारे पीरियड्स मतलब ओवर हो गए थे ना, तो लास्ट में हमारा ड्राइंग पीरियड था या एमएससी का क्लास था, सो जब सब लोग चले गए ना, तो मैं वहीं पे बैठी थी। तो मैंने यू नो मैम को बोला कि मैम एक्चुअली यू नो मेरे पीरियड्स आ गए हैं। तो उन्होंने देखा, शी वाज लाइक ओ माय गॉड। तो उन्होंने आंटी को बोला, तो आंटी गई एंड दूसरा व्हाइट स्कर्ट लेकर आई। एंड हम लोग वैन से उस टाइम जाया करते थे। मैंने क्या किया, ये जो मेरा व्हाइट स्कर्ट था ना, उसके ऊपर से मैंने एक और व्हाइट स्कर्ट पहना। एंड मैम ने बोला कि अगर तुम वैन में, पहले उन्होंने पूछा कि तुम कैसे जाती हो, मैंने बोला कि मतलब वैन से जाती हो। तो उन्होंने बोला कि जब तुम वैन में बैठना ना, तो ये जो तुम्हारा जो स्टेन वाला स्कर्ट है उसको, मतलब ये जो तुम्हारा जो तुमने ऊपर से स्कर्ट पहना ना, उसको उठा लेना, और जो तुम्हारा मतलब खुद का स्कर्ट जिसपे स्टेन लगा है, तो वैसे बैठना, फिर इस स्कर्ट को रखना, क्योंकि अगर तुम फिर वैसे ही दोनों स्कर्ट को ऐसे करके बैठ जाओगे ना, तो फिर दोनों स्कर्ट पे लग जाएगा। और सोच लो मैं कैसे बैठी हूँ, मतलब मेरे वैन में लड़के लड़कियां बच्चे सब थे, ठीक है, सब कोई था, एंड मैं कैसे गई होंगी, मतलब मेरा जीना हराम है। मुझे अभी भी याद है ना कि जब मैं मतलब आती थी, तो मैं मतलब कुछ नहीं करती थी, धूप का टाइम होता था, जून जुलाई का महीना होता था, वैन में बैठो बच्चे यू नो सबका सॉक्स स्मेल कर रहा है। घर पे आओ, सबसे पहले मैं बाथरूम में जाती थी, बाथरूम में थैंकफुली कि उस टाइम हम लोग रेंट के घर पे रहते थे, बट हमारा यू नो दो वॉशरूम था, तो मैं मतलब जाती थी वॉशरूम में, उसके पहले दरवाजा लॉक करती थी, पहले नहाती थी अच्छे से, उसके वो जो स्कर्ट है ना, दोनों मम्मी को भी मैंने देती थी, ठीक है, मैं कहती थी नहीं भैया मैं ही करूंगी, मैं ये सारी चीजें नहीं चाहती हूँ कि मेरा कोई और करे, ठीक है। तो मैं उसको रगड़ 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 के साफ करती थी, बट यू नो वो इट वॉज लाइक फ्रेश फ्रेश, तो साफ हो जाता था। फिर मैं ब्लीच वगैरह लगा लगा के उसको साफ करती थी, दूसरा वाला स्कर्ट भी मैं साफ करती थी, फिर आयरन करती थी, फिर नेक्स्ट डे स्कूल जाती थी तो आंटी को दे देती थी, क्योंकि वो कहती थी बेटा इसको धुल के लेते हैं अगले दिन। मैंने बोला ऑफकोर्स यार, मेरी स्कूल लाइफ बहुत ही बेकार रही है। आई रिमेम्बर कि मतलब मैं ना दो दो तीन तीन यू नो पैच लगाती थी, क्योंकि स्टेफ्री का आता था, दैट्स वाई आई हेट स्टेफ्री, ठीक है। मैंने इसके पीरियड वाले व्लॉग में बोला था ना, डे इन माय लाइफ ड्यूरिंग पीरियड्स, मुझे स्टेफ्री बिल्कुल नहीं पसंद है, दैट्स वाई जब से मैंने उस वाले पैड पे विस्पर पे स्विच किया ना, तब से मतलब यू नो एडवर्ट, ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो मेरी वीडियोस है ना, वो मतलब बच्चियां भी देखती हैं, यू नो मेरी एज की, जब मैं मेरे पीरियड्स आए थे 10-11 साल की बच्चियां भी देखती हैं। तो अगर आप लोग के भी पीरियड्स आ गए हो, तो विस्पर यूज करना, क्योंकि यू नो दैट्स वेरी यू नो लॉन्ग एंड अच्छा होता है। वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है, मुझे एक रुपया भी नहीं मिला। आई रिमेम्बर कि मैंने एक बार पेट दर्द की मैंने दवाई खा ली थी, एंड पहले मैं स्कूल स्किप करती नहीं थी, इतनी बदतमीज थी, मतलब अभी तो मैं स्किप कर भी दू पीरियड्स में, लेकिन उस टाइम पता नहीं क्या ही मुझे यार वो चढ़ा था कि भाई कुछ भी हो जाए स्कूल जाओ, अभी तो मेरे पीरियड्स आते तो मैं 5-6 दिन तक स्किप कर दू स्कूल बहाने मार। उस टाइम पता नहीं मुझे क्या ही दौरे पड़े रहते थे, मतलब मुझे स्कूल जाना ही जाना रहता था। तो मुझे याद है कि मेरा पेट दर्द हो रहा था, तो मम्मी ने मुझे दवाई दिया था, एंड आई थिंक उसका जो डोज था ना बहुत ज्यादा था, मतलब मेरी बॉडी को लेकर। मुझे याद है मैं क्लास के बाहर से मैंने आपको देखा था जा रही थी रोते हुए ना, टीचर्स जब मेरा पेट दर्द हो रहा था ना, तो मेरे वैन आने से पहले ही, मतलब जब मैं स्कूल जाई थी, वैन आने से पहले ही ना मम्मी ने मुझे वो दवाई दिया था, मैं खा के स्कूल गई थी। एंड जब मैं स्कूल गई थी ना, तो वो इतना ज्यादा उस दवाई का डोज था, मेडिसिन का, मतलब लाइक इतना बड़ा दवाई था ना, तो उसको एक्चुअली आधा देना था मुझे, लेकिन मम्मी ने मुझे पूरा दे दिया था, तो मैंने वो खा लिया था। एंड ओ माई गॉड, स्कूल जाने के बाद मतलब मेरे हाथ पैर में इतनी स्वेलिंग हो रही थी, खुजलियां हो रही थी, तो मैंने बोला कि ओ माई गॉड अब चौका मैं मरने वाली हूँ क्या। एंड फिर प्रिंसिपल सर को बोला कि प्लीज मेरे पेरेंट्स को बुला दीजिए, बट पापा थे नहीं घर पे, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, जो मतलब ड्राइवर अंकल जो वैन वाले हैं वो तुमको बाइक से छोड़ देंगे। तब मैं गई बाइक से, एंड मैम वाज लाइक कि क्या हुआ तुम्हें बेटा। मैंने बोला कि मैम पता नहीं रिएक्शन कर दिया दवाई, तो उन्होंने मतलब मेरा पैर वैर देखा तो पूरा एकदम रेड हो गया था, पैचेस हो गए थे रेड पे, मतलब उस दवाई की वजह से। पापा ने मम्मी को डांटा भी था कि ये डोज बहुत ज्यादा है ये वो, उसे 4 साल थे ना मुझे, मेरे लिए बहुत वो थे, बट अब तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यू नो पीरियड्स आर नहीं है, स्टेन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं लगता है, थैंक गॉड, सो थैंकफुल फॉर दैट। दैट वाज माय स्टोरी, एंड आई थिंक मैं कुछ मिस कर रही हूँ क्या, मुझे नहीं याद है, नहीं यही थी मेरी पीरियड स्टोरी, या
बस ये थी मेरी औरत बनने की स्टोरी। हाँ यही मैं बोलने वाली थी कि एक्चुअली ना उस टाइम जब वो दो तीन जो मैं दो चार साल कह रही हूँ ना कि मेरे लिए बहुत ख़राब था, बहुत सारे स्ट्रेन लगते थे, तो उस टाइम पीरियड के बीच में मैं अपने मौसी के घर गई थी, आई थिंक जो मेरी सेकंड मौसी है उनके घर, शी इज़ सो स्वीट। उस टाइम भी मतलब मेरे पीरियड्स आ गए थे क्योंकि हम लोग वहाँ पे रुके थे आई थिंक 1 month तक शायद, है ना किशन? 1-2 महीने। हाँ 1-2 महीने तक जब मैं सोती थी ना तो मेरा स्ट्रेन लगता था, एंड उस टाइम मैं इतना सारा डर जाती थी ना कि मैं मौसी को कैसे बोलूं क्योंकि उनका घर, उनका बिस्तर, उनकी रजाई, एंड उस टाइम ठंड का मौसम था। बट गाइज माई मौसी वॉज सो स्वीट, मुझे याद है ना उन्होंने इतने अच्छे से मतलब ख्याल रखा है ना, स्टेन लग जाते थे तो वो कहती थी बेटा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मतलब वो उनकी एज भी ज़्यादा थी, मतलब मेरी मम्मी से बड़ी ही थी, तो मतलब मेरी मम्मी के बाद जो मेरी मौसी आती हैं तो वो पता है साफ करती थी, उस टाइम वॉशिंग मशीन नहीं था, 7-8 साल पहले की बात है, तो वो बेचारी ठंड के मौसम में ना मतलब वो रजाई वजाई साफ करती थी, एंड शी वॉज ऑलवेज स्माइलिंग, इट वॉज नॉट लाइक कि गंदा कर दिया, एंड मुझे इतना गंदा लगता था ना कि मैं अपनी मम्मी को कभी धुलने के लिए नहीं देती थी, यू नो कि मैं ही सारा ये सब स्टेन वगैरह क्लीन करूंगी, बट वहां पे शी वॉज लाइक कि नहीं तुमको नहीं करना है, तुम जाओ यहाँ से, एंड शी वॉज सो स्वीट। एंड आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताना कि आप लोगों का क्या फर्स्ट पीरियड एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरा तो भाई नॉर्मली था, ऐसा नहीं था कि मैं बेहोश हो गई थी, एंड या पहले मुझे लगते थे ना कि अगर एक बार पीरियड आ गया ना तो वो हमेशा रहेगा, हमेशा जब तक मैं टपक नहीं जाती, बट देन मेरी बहन ने बताया वो या That's it. And मुझे ये भी पता चल गया कि पीरियड्स ब्लू नहीं होता है, रेड होता है। Yeah guys, I hope आपको ये वीडियो पसंद आई, मत करो किशन इस वीडियो को लाइक करना प्लीज, आप लोग लाइक नहीं करते, लेट्स सी कि जितने व्यूज आए उतने लाइक आते हैं क्या। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है ना सो आप लोग कॉमेंट्स में पिंक हार्ट कॉमेंट करना, ब्लू तुमको लगता था स्टेफी मतलब पीरियड ब्लड? हाँ हाँ आप लोग पता है ब्लू नहीं, ब्लू तो मैंने एक और वीडियो में बोला था, पिंक करना ठीक है, मैंने पिंक लगा पहना ना, लेट्स सी कि कितने कितने लोगों ने एंड तक देखा है, आप लोग कमेंट से पिंक हार्ट कमेंट करना, सी कि किसने मेरी वीडियो आखिरी तक नहीं देखी है, और जो लोग कमेंट करते हैं ना नाइस वीडियो दी मैं उनको बाद में देख लूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई इस वीडियो को लाइक करना, एंड या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तुम भी अपने पीरियड की स्टोरी बता देना। Okay. Woke up at 11 o'clock, I ain't got no job, what the hell should I do today? This feel like some, I don't give a fuck.